Hey everyone, hope you're all doing great. In today's video, I'm gonna show you a decoupage wall clock. So without any further delay, let's get started. आज के इस वीडियो के लिए मेरे पास यहाँ पर है कि वॉल क्लॉक, कोई भी पुरानी वॉल क्लॉक हो आप वो यहाँ यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप MDF बोर्ड भी यूज कर सकते हैं। और उससे ड्रिल मशीन पर आप सेंटर में एक होल कीजिए, उस पर जो क्लॉक की मशीन होती है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक क्लॉक है तो मैं उसी को यहाँ पर यूज कर रही हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लॉक में से जो इसकी जो मशीन है उसको हटा देंगे। आपके पास अगर MDF बोर्ड है या आप कोई सेरेमिक प्लेट या पॉट आप यूज़ कर रहे हैं तो उस पर आप सबसे पहले जो जेसो होता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जेसो अप्लाई नहीं किया है, मैंने सीधा डायरेक्ट पेंट यहाँ पर अप्लाई किया है। आप कोई भी वाइट एक्रेलिक पेंट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास है ये एक फिलामेंट पेपर, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप इसे अमेजोन और इट्सी बिट्सी से आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर फिलामेंट पेपर के एजेस को टेयर अप कर लेंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि इसे सीजर से काटना नहीं है, आपको इसको टेयर करना है सो दैट ये एक रियल इफेक्ट देता है। उसके बाद हम यहाँ पर क्लॉक पर लगाएंगे ग्लू। आप चाहें तो डेकोपैज ग्लू भी आता है मार्केट में, आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल कोई भी ग्लू घर में आपके पास हो आप वो यहाँ पर यूज़ कीजिएगा। बस हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे इस पेपर को। ध्यान रखिएगा कि पेपर को आपको अच्छे से पेस्ट करना है, उसमें कोई भी बबल क्रिएट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो बाद बहुत ख़राब लगेगा। तो आप इसमें कोई भी बबल क्रिएट नहीं होने दीजिएगा और पेपर को बहुत अच्छे से पेस्ट कर लीजिएगा। बस यहाँ पर है ये टिंटेड मेटालिक कैरेबियन टील पेंट, एक्रिलिक कलर्स ये हैं ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट और गोल्डन। आपको इन सभी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पर पेपर से मिलते जुलते कलर्स को ही अप्लाई करेंगे। आप देखिएगा कि आपके फिलामेंट पेपर में जो भी कलर्स हैं आप उनसे मिलते जुलते कलर ही कीजिएगा सो दैट वो पेंटिंग को एक रियल लुक देते हैं। मैंने यहाँ पर फर्स्ट पेंट ब्रश से पेंट अप्लाई किया था, उसके बाद मैं यहाँ पर स्पॉन्ज से कर रही हूँ सो दैट मिक्सिंग में वो इजी होगा। आपको जो भी तरीका इजी लगता हो वो आप अपनी पेंटिंग में अप्लाई कर सकते हैं। नीचे की तरफ ब्लैक जो पोर्शन है उसको मैं ब्लैक इफेक्ट ही दे रही हूँ ब्लैक कलर से। आपको दो तीन कलर्स को आपस में मिक्स एंड मर्ज करके पेंटिंग को रियल इफेक्ट देना होता है। पेंट करके कुछ ये इस तरीके से लगेगा। मेरा कलरिंग पार्ट डन हो गया है, इसके बाद आप यहाँ पर ग्लू भी लगा सकते हैं। जस्ट बिकॉज मैं ग्लू इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरा जो ये वॉल क्लॉक है इसके ऊपर एक शीशा है, जिस वजह से इसको मुझे सील करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर वार्निश जो है यूज कर रही हूँ। लेकिन अगर आपकी वॉल क्लॉक में शीशा नहीं है या आप किसी MDF बोर्ड पर इसे अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट आप यहाँ पर ग्लू की एक लेयर जरूर दीजिएगा सो दैट वो जो भी आपकी पेंटिंग है वो सील हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर वार्निश का यूज कीजिएगा। मैं नहीं कर रही हूँ
क्योंकि मेरी क्लॉक के ऊपर जो है एक शीशा है, तो इसे पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रखेगा। और अब मैं इसे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। यह पूरी तरीके से ड्राई हो गया है। अब यहाँ पर मेरे पास है ये 3D आउटलाइनर, और मैं थोड़े थोड़े से इसको थोड़ा थोड़ा इस पेपर के डिज़ाइन को हाईलाइट करूंगी। आप जो भी डिज़ाइन फॉलो कर रहे हैं उसमें आप जो है थोड़ा सा 3D लुक दे सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है ये गोल्ड कलर। जो भी नंबर है क्लॉक पर उन्हें हम गोल्ड कलर से कलर कर देंगे। ये जो नंबर्स हैं वो अलग से इनहांस होकर दिखाई देंगे क्लॉक में। मैंने सारे नंबर्स को गोल्डन कलर कर दिया है। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाए हैं। ये एक येलो 3D आउटलाइनर है, उससे मैंने यहाँ पर छोटे छोटे ड्रॉप्स बनाए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर छोटे छोटे जो स्टोन्स आते हैं वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फाइनली अब हम इसे पूरी तरीके से ड्राई होने देंगे। उसके बाद मैंने वापस जो घड़ी की सुइयां मैंने निकाली थी, जो शीशा था इस क्लॉक का, वो मैंने लगा दिया है। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है। अगर थोड़े से भी पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।